हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर में देखिए, युवाओं के लिए FCI में नौकरी का खास मौका, 5043 पदों पर कर सकते हैं आवेदन। जी हां, FCI के द्वारा ग्रेड 3 के तहत गैर कार्यकारी पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। निगम के द्वारा 5043 पदों पर बहाली निकाली गई है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी की वेबसाइट पर एक सूचना जारी की गई है। इन पदों पर आवेदन 6 सितम्बर यानी आज से शुरू होगी। योग्य अभ्यर्थी इसके लिए 5 अक्टूबर तक requirement.fci.in पर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निगम के द्वारा निकाले गए भर्ती में FCI डिपो और कार्यालय में जूनियर इंजीनियर, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफिस्ट सहित 5043 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आवेदन करने के लिए सामान्य कोटि, OBC और EWS कोटि के अभ्यर्थियों को ₹500 आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC ST और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही बड़ी खबर में देखिए, महागठबंधन सरकार में पहली बार जनता दरबार, सीएम नीतीश ने सुनी फरियादों की गुहार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। जी हां, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम कुछ समय से स्थगित रहा था। हालांकि कोरोना काल से ही मुख्यमंत्री सीमित संख्या में लोगों को जनता दरबार में बुला रहे थे। कल भी जनता दरबार में सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि कल के जनता दरबार में पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले साल 2015 में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कल गृह राजस्व एवं भूमि सुधार, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और निगरानी से संबंधित शिकायतों को सुना। अगली बड़ी खबर में देखिए, राहुल गांधी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली में बोले पीएम बनने की इच्छा नहीं, विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूत करने सोमवार को दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि विपक्ष एक साथ आए और भाजपा के खिलाफ लड़े। विपक्ष एक साथ आएगा तो आज क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। नीतीश 3 दिनों के लिए दिल्ली में ही रहेंगे और नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। वहीं कल शाम को नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बता दें कि पटना में जनता दरबार कार्यक्रम के बाद सीएम दोपहर 12:30 बजे के करीब राबड़ी आवास पर गए। लगभग 25 मिनट की मुलाकात के बाद सीएम बाहर निकले। उन्होंने मीडिया से कहा कि दिल्ली जाने से पहले अनौपचारिक मुलाकात की है, विपक्षी एकता को लेकर हमसे बात हुई है। वहीं आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात संभव है। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, जब तक JDU रहेगा BJP के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में साथ आना गलती थी, 2014 में भी कहा था BJP के साथ नहीं जाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक JDU रहेगा तब तक BJP के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने पहली बार स्वीकारा कि हमसे गलती हो गई है। अपने पार्टी के कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने यह बात सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की कि BJP से हाथ मिलाकर उनसे मूर्खता हुई है। दरअसल JDU के राष्ट्रीय परिषद की बैठक को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 में BJP के साथ समझौता करके उनसे मूर्खता हो गई थी, अब यह गलती कभी नहीं दोहराएंगे, अब भविष्य में कभी भी BJP के साथ नहीं जाएंगे। इधर BJP नेता सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए उनका 2014 का बयान याद दिलाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन BJP के साथ नहीं जाऊंगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में आज भी मौसम रहेगा सुहाना, राज्य के 19 जिलों में बारिश और वज्रपात की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, बिहार में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। अगले 72 घंटे मानसून ऐसे ही एक्टिव रहने वाला है। बिहार में मानसून के एक्टिव रहने से पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश देखने को मिली है। इस दौरान तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं आज मौसम
मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। बाकी जिलों में भी मौसम सुहाना बने रहने की उम्मीद है। बिहार में 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज शामिल है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए तक की कमी, घरेलू उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर? जी हां, सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने रसोई गैस की कीमत में संशोधन किया है। हालांकि इसे आम घरेलू उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि घरेलू रसोई गैस की कीमत यथावत रखी गई है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए तक की बड़ी राहत दी गई है। नई दरें 1 सितम्बर से प्रभावी हो गई है। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई घटा और बढ़ाने की गई है। इसकी कीमत 1151 रुपए ही रखी गई है। वहीं 5 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी पूर्व की तरह 423.50 रुपए रखी गई है। खबर, बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियम में सरकार ने किया बदलाव, मॉडल डेड को लेकर आया ये नया आदेश। यह संपत्ति निबंधन के लिए अब मॉडल डेड उपयोग करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। दस्तावेज निवेश अधिवक्ता अथवा मॉडल डेड में कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। 1 सितम्बर यानी आज से पटना, दानापुर, फुलवार, सरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में 100% मॉडल डेड से निबंधन का आदेश बीती 19 जुलाई को जारी किया गया था। और बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट से शुरू हुआ बिजली उत्पादन। जी हां, सुपौल में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाए गए फ्लोटिंग पावर प्लांट ने सोमवार से काम करना शुरू कर दिया है। यह प्लांट पिपरा के दिनापड़ी पंचायत स्थित सकवा गांव से राजा पोखर में है। जानकारी के अनुसार इस प्लांट से अभी लगभग 525 किलोवाट का बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बता दें कि बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। प्लांट से उत्पादित बिजली को नजदीक के पावर स्टेशन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार गांव में सप्लाई भी की जा रही है। खबर में देखिए, बिहार में पहले से और महंगा होगा बालू, नीतीश सरकार ने बंदोबस्ती दर दोगुना किया। जी हां, बिहार में बालू की कीमत पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली है। नीतीश कैबिनेट ने कल जो फैसला लिया है उसके बाद बिहार में बालू की कीमत बढ़नी तय मानी जा रही है। दरअसल सरकार ने अब बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर कल एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि बालू घाटों की नीलामी 5 साल के लिए की जाए। साथ ही साथ बालू की मात्रा और घाटों की स्थिति को देखते हुए दर तय करने का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया है उसके बाद अब कई बालू घाटों की बंदोबस्ती दर में दोगुनी कर दी गई है। सोन नदी के अलावे क्यूल, फाल्गु, चानन और मोरहर नदी की बालू बंदोबस्ती दरें अब दोगुनी होगी। पहले यह 75 प्रति घन मीटर के हिसाब से बंदोबस्ती होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 रुपये प्रति घन मीटर कर दिया गया है। बड़ी खबर, नीतीश सरकार में तेजस्वी फैक्टर, गाय भैंस की मौत पर पालकों को मिलेगा मुआवजा। जी हां, बिहार में सरकार बदलने के बाद सरकारी नीतियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और तेजस्वी सरकार का असर ऐसा है कि अब पशुपालकों को सरकार के स्तर पर एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। अब पशुपालकों को उनके पशुओं की प्राकृतिक मौत पर मुआवजा मिलेगा। खास तौर पर गाय और भैंस पालने वालों के लिए एक बड़ी राहत होगी। गाय और भैंस की मौत हो जाने पर हर पशु के हिसाब से 30,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि एक परिवार अधिकतम 3 पशुओं का ही मुआवजा मिलेगा। इसी तरह घोड़ा बैल की मौत अप्राकृतिक तरीके से हो जाने पर 25,000, बछड़ा गधा की मौत पर 16,000 और भेड़ बकरी की मौत पर 3,000 रुपये दिए जाएंगे। महागठबंधन की सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर पशुओं की अप्राकृतिक मौत होती है तो ऐसी स्थिति में पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी खबर, दशहरा दिवाली पर हेट स्पीच और भड़काऊ पोस्ट पर नीतीश सरकार सख्त, पुलिस को कड़ाई से निपटने के आदेश। जी हां, हेट स्पीच और हेट पोस्ट पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। हेट स्पीच से सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश जारी किया गया है। मुख्यालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि हेट स्पीच के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई है। दशहरा और दीपावली पर हेट स्पीच और सोशल मीडिया पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की साजिश की आशंका है। इसको लेकर सभी थानेदारों को वायरलेस मैसेज से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सोशल साइट के हेट पोस्ट पर अंकुश के लिए किए जा रहे साइबर पेट्रोलिंग की व्यवस्था दुरुस्त रखने की हिदायत दी है। साथ ही हर 15 दिनों पर इस संबंध में मुख्यालय को हो रही कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा गया है। वहीं SSP जयकांत ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी तरह का हेट पोस्ट वायरल होता है तो ग्रुप एडमिन पर भी FIR दर्ज की जाएगी।
सोशल साइट पर फेक अकाउंट को चिन्हित करने को लेकर भी मुख्यालय स्तर से साइबर सेल कार्रवाई करती है। अगली बड़ी खबर में देखिए, तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 1000 से ऊपर एमएलए, 300 प्लस एमपी एक के घर सीबीआई ईडी रेड नहीं, कौन बचा रहा है। जी हाँ, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य में सीबीआई और ईडी के द्वारा कई कार्रवाई की गई है। इसमें राजद नेताओं खासकर तेजस्वी यादव और उनके करीबियों के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर राजद के नेताओं ने सवाल उठाए और बिहार में बगैर परमिशन के सीबीआई और ईडी की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई। इसे लेकर अंदरखाने में सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर राजद नेता और राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि बीजेपी के लोग दूध के धोले हैं क्या। भारतीय जनता पार्टी के 1000 से ज्यादा विधायक और 300 से ज्यादा सांसद, लेकिन उनमें से किसी के ठिकानों पर छापा नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो उन्हें कौन बचा रहा है। जो बीजेपी में चले जाते हैं वो दूध से धोले जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए, सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। 130 करोड़ के देश में हजारों पीएम मटेरियल, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि देश में 130 करोड़ लोगों के देश में हजारों लोग पीएम बनने की पात्रता रखते हैं, लेकिन पीएम वही बनेगा जिसको 250 एमपी का समर्थन हासिल होगा। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों के देश में हजारों लोग पीएम बनने की पात्रता रख सकते हैं, पीएम मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जिसकी पार्टी को लोकसभा में 250 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी कर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार आज सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के समर्थन से नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं वह भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचारियों के लिए और भ्रष्टाचारियों की शासन व्यवस्था है। देखिए, बड़ी खबर आपके लिए, पुनपुन में 9 से 25 सितंबर तक होगा प्रतिपक्ष मेले का आयोजन, तैयारियों को लेकर डीएम ने की बैठक। जी हां, राजधानी पटना के पुनपुन में 9 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्ष मेला चलेगा। इसमें देश विदेश से हजारों तीर्थ यात्री और पर्यटक पहुंचते हैं। इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढल्लो ने पुनपुन पिंडदान स्थल पर अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि वर्तमान में पुनपुन नदी का जलस्तर सामान्य बना हुआ है, लेकिन नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रमुख पूजा घाटों पर बैरिकेडिंग, आवश्यकता अनुसार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की प्रतिनियुक्ति, नाविक व गोताखोर की प्रतिनियुक्ति के लिए अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन को निर्देश दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।